यूक्रेन युद्ध में अब युद्ध में एलियन की एंट्री हो गई है। एलियन भी ऐसे वैसे नहीं, एटम बम वाले एलियन। नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री एडगर मिशेल ने दावा किया कि एलियन परमाणु युद्ध में कूद सकते हैं। दावे के मुताबिक वो इससे पहले भी धरती पर चल रहे युद्ध में शामिल भी हो चुके हैं। और सवाल यह है कि एटम बम वाले ये एलियन क्या धरती पर मौजूद हजारों परमाणु बम की निगरानी कर रहे हैं? क्या एलियन दूर अंतरिक्ष से इस परमाणु ठिकाने को देख रहे हैं? क्या इस परमाणु ठिकाने पर जो कुछ हो रहा है उस पर एलियन की नजर है? क्या रूस ने ऐसे जहां जहां परमाणु बम लगा रखे हैं वो एलियन के निशाने पर हैं? दुनिया में जहां जहां परमाणु हथियारों के नए अड्डे बन रहे हैं क्या वो एलियन के टारगेट पर हैं? नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री ने दावा किया है कि एलियन परमाणु युद्ध में कूद सकते हैं। दावा है कि इससे पहले भी एलियन परमाणु युद्ध में शामिल हो चुके हैं। नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री का दावा है कि तब एलियनों ने परमाणु युद्ध को रोक दिया था। सवाल है कि क्या अब भी वो ऐसा कर सकते हैं? अगर यूक्रेन युद्ध में नौबत परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की आ गई तो क्या पहले की तरह यूक्रेन युद्ध में भी एलियनों की एंट्री हो जाएगी? नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री एडगर मिशेल ने दावा किया है कि एलियनों ने न सिर्फ पृथ्वी का दौरा किया है बल्कि वो धरती पर हमारी निगरानी भी करते हैं। सवाल है, क्या एलियन रूस के परमाणु ठिकानों को देख रहे हैं? क्या एलियन अमेरिका के परमाणु ठिकानों को देख रहे हैं? क्या एलियन बेलारूस में रूस के परमाणु अड्डों पर नजर गड़ाए हुए हैं? क्या एलियन का कैमरा बेल्जियम के क्लेन ब्रोगेल एयरबेस पर रखे गए अमेरिका के परमाणु बमों पर है? अगर ऐसा होता तो वो जर्मनी के बुचेल एयरबेस पर मौजूद परमाणु अड्डों को देख रहे होंगे। इटली के एवियनो एयरबेस पर अमेरिका के जो परमाणु हथियार हैं, उन्हें भी देख रहे हैं। इटली के जिस खेड़ी एयरबेस पर अमेरिका ने 15 परमाणु बम लगा रखे हैं, वो भी एलियनों की नजर में होगा। नीदरलैंड के वोल्केल एयरबेस पर मौजूद परमाणु बमों पर भी एलियन अपना कंट्रोल जमा सकते हैं। यही नहीं, तुर्की में इंसरलिक एयरबेस पर अमेरिका के रखे 20 परमाणु बमों को एलियन निष्क्रिय कर सकते हैं। नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री एडगर मिशेल वही शख्स हैं जो चंद्रमा पर अपोलो 14 मिशन का हिस्सा थे। एडगर मिशेल ने 1971 में चंद्रमा से लौटने के बाद एलियनों की मौजूदगी को लेकर बहुत बड़ा पर्दाफाश किया था। एडगर मिशेल का दावा है कि शीत युद्ध के दौरान जब सोवियत संघ और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर था, परमाणु युद्ध की आशंका प्रबल हो गई थी, उस वक्त एलियन सक्रिय हुए थे और अमेरिका और सोवियत संघ के बीच होने वाले परमाणु युद्ध को रोक दिया था। नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री एडगर मिशेल ने दावा किया कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच परमाणु युद्ध को रोकने के लिए एलियन जिम्मेदार थे। सिर्फ यही नहीं, एडगर मिशेल का दावा है कि न्यू मैक्सिको में व्हाइट सैंड्स मिसाइल रेंज को भी एलियनों ने कुछ देर के लिए अपने रिमोट पर ले लिया था। न्यू मैक्सिको का व्हाइट सैंड मिसाइल वो जगह है जहां 1945 में पहला परमाणु बम विस्फोट किया गया था। यहीं अमेरिका ने पहली बार परमाणु परीक्षण किया था और इसी परीक्षण के बाद दूसरे विश्व युद्ध में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम फोड़ा था। एडगर मिशेल ने दावा किया कि व्हाइट सैंड्स मिसाइल रेंज के अधिकारियों ने उन्हें बताया था कि तब एलियंस साइट के ऊपर उड़ने वाली मिसाइलों को निष्क्रिय कर रहे थे।
एडगर मिशेल ने दावा किया है। कि व्हाइट सेंस परमाणु हथियारों के लिए एक परीक्षण स्थल था और एलियनों की इसमें रुचि थी। वे हमारी सैन्य क्षमताओं के बारे में जानना चाहते थे। सैन्य और खुफिया समुदाय के लोगों के साथ मेरी बातचीत से पता चला कि एलियन हमें अपने पास रखने की कोशिश कर रहे थे, युद्ध में जाने से बचाने में हमारी सहायता कर रहे थे। यानी अमेरिका की नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री का मानना है कि एलियन धरती की निगरानी करते हैं। वहीं रूस के पूर्व राष्ट्रपति और अभी रूस के सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदेदेव का कहना है कि एलियन न सिर्फ धरती पर नजर रखते हैं बल्कि वो हमारे बीच रह रहे हैं। Люди в чёрном. Вышло несколько версий. Сколько их среди нас? Сколько их среди нас? Рассказывать не буду, потому что это может вызвать панику. दिमित्री मेदेवदेव ने ये बयान देकर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। मेदेवदेव का कहना था कि रूस के राष्ट्रपति के पास एक टॉप सीक्रेट फोल्डर होता है जिसमें धरती पर अभी तक आए एलियनों के बारे में जानकारी होती है। Вместе с передачей чемодана с ядерными кодами президенту страны приносят специальную папку. На ней написано совершенно секретно. И она целиком и полностью посвящена пришельцам. ऐसा पहली बार नहीं है जब पृथ्वी पर एलियनों के आने की बात कही गई है। ऐसा पहली बार नहीं है जब परमाणु हथियारों को निष्क्रिय करने और सैन्य ठिकानों में एलियनों की रुचि दिखाने के आरोप लगाए गए हैं। अमेरिकी वायुसेना के पूर्व लेफ्टिनेंट बॉब जैकब्स ने 2008 में दावा किया था कि 1960 के दशक में परमाणु मिसाइल परीक्षणों के दौरान आकाश में एक बड़ी वस्तु दिखाई दी जिससे अमेरिका की सेना में बहुत भ्रम पैदा हुआ था। बड़ा सवाल है, जैसे 1960 में हुआ था, जैसे शीत युद्ध के दौरान होने का दावा किया जाता है, या उसी तरह यूक्रेन युद्ध के दौरान भी एलियन परमाणु युद्ध को रोक सकते हैं? क्योंकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अगर पुतिन खुद को कमजोर पाते हैं तो हताशा में वो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को मंजूरी दे सकते हैं। ब्रिटेन के प्रमुख विदेश नीति थिंक टैंक चैथम हाउस ने एक रिसर्च जारी किया है। इस रिसर्च में रूस और यूरेशिया विशेषज्ञ कीर जाइल्स ने चेतावनी दी है कि ऐसी आशंका है कि पुतिन यूक्रेन में परमाणु बम का इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकते हैं। पुतिन परमाणु हमले का आदेश दे सकते हैं। अगर पारंपरिक जीत का दावा करने की कोई संभावना नहीं बचती है, जिस क्षण पुतिन को लगेगा कि उनके विकल्प समाप्त हो गए हैं, वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो पुतिन के परमाणु प्लान से पर्दा हटाती हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिससे बहुत बड़े युद्ध का खतरा पैदा हो गया है। ये वो तस्वीरें हैं जिससे न्यूक्लियर वॉर की आशंका और बढ़ गई है। रूस ने कम से कम 27 बम वर्षक विमान एक साथ यूक्रेन के साथ साथ यूरोप में मौजूद नेटो देशों के काफी करीब अपने एक न्यूक्लियर एयरबेस पर खड़े कर रखे हैं। इतनी तादाद में बॉम्बर के होने के संकेत यूक्रेन के साथ साथ नेटो के लिए बहुत ही खराब हैं।
परमाणु युद्ध से दुनिया का हर एक देश खौफ खाता है, क्योंकि परमाणु बम एक ऐसा हथियार जिसकी काट अब तक दुनिया का कोई देश नहीं बना पाया। न्यूक्लियर बम का जवाब सिर्फ न्यूक्लियर बम से ही दिया जा सकता है, या फिर युद्ध में हार मानकर, क्योंकि युद्ध के तराजू पर पारंपरिक युद्ध के मुकाबले परमाणु युद्ध का पलड़ा हमेशा भारी रहता है। मिसाइल युद्ध भी परमाणु युद्ध के आगे कहीं नहीं ठहरता। बड़े से बड़ा विध्वंसक बम भी परमाणु बम के आगे बेअसर साबित होता है। इस बीच रूस से आई एक तस्वीर ने परमाणु युद्ध की आशंका को और बढ़ा दिया है। ये रूस के परमाणु हथियारों का मूवमेंट है। परमाणु हथियारों का मूवमेंट किसी भी देश का बहुत ही गोपनीय कदम होता है, लेकिन इसे पुतिन की सेना ऐसे खुले आम ले जाकर बहुत बड़ा संकेत दे रही है। बड़ा सवाल है, क्या पुतिन अपने परमाणु बमों को लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म तक पहुंचा रहे हैं? क्या रूस की न्यूक्लियर फोर्स यहां परमाणु बम सेट कर रही है? क्या इस न्यूक्लियर मूवमेंट का मतलब परमाणु युद्ध है? ऐसा रूस ने पहली बार नहीं किया है। यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस ने कई बार अपने परमाणु हथियारों को ऐसे खुलेआम दिखाया है। रूस ने एक मिसाइल को मॉस्को से 180 किलोमीटर दूर टावर में सेट किया है, जो मॉस्को से उत्तर पश्चिम में है। टावर से यूक्रेन 795 किलोमीटर दूर है। एस्टोनिया की दूरी 875 किलोमीटर है। लात्विया 790 किलोमीटर दूरी पर है। लिथुआनिया 890 किलोमीटर है। ये सभी नेटो देश हैं जो पुतिन के परमाणु निशाने पर हैं। इसी हफ्ते पुतिन की न्यूक्लियर फोर्स ने अपनी दूसरी और तीसरी यार्स मिसाइल को मॉस्को से 290 किलोमीटर दक्षिण में कोजेल्स्की बेस पर जमीन में लोड किया है। यहां से भी पूरा यूरोप और अमेरिका रूस के निशाने पर है। रूस की सैन्य थॉट पत्रिका के लेख में दावा किया गया है कि अमेरिका रूस पर परमाणु हमला करने का फुल प्रूफ प्लान तैयार करके बैठा है। अमेरिका ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अमेरिका को लगता है कि रूस ही वो देश है जो उसके वैश्विक प्रभुत्व को मिट्टी में मिला सकता है। रूस की सैन्य थॉट पत्रिका में दावा किया गया है कि परमाणु खतरे से कभी भी पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता। रूस की सैन्य थॉट जनरल के दावे की पुष्टि अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में तैयार एक रिपोर्ट करती है। रिपोर्ट में लिखा है, 300 परमाणु मिसाइलें आपकी ओर बढ़ रही हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हमलावर ने अपनी सीक्रेट फाइल में सभी टारगेट लॉक कर लिए हैं। जिस दिन धरती पर 300 परमाणु बम एक साथ फट गए, यकीन मानिए वो दिन कयामत का दिन होगा। अगर रूस की अमेरिका से भिड़ंत शुरू हो गई, तो पुतिन की सेना का मुकाबला अब तक के सबसे घातक हथियारों से होगा, क्योंकि रूस को ध्यान में रखकर अमेरिका ने यूरोप के कई बेसों पर परमाणु बम तैनात कर रखे हैं, मिसाइलें सेट हैं। ऐसे में अगर रूस और अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ा, तो उसके विश्व युद्ध में बदलने में देर नहीं लगेगी। और अगर तीसरा विश्व युद्ध भी परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ा, तो उस युद्ध में सीधे सीधे एलियन कूद पड़ेंगे।